देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। नमस्कार दोस्तों, भारत एट नाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज एक बड़े मुद्दे पर बात होगी, चर्चा होगी, जिस पर चर्चा तो दरअसल काफी पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन राजनीति और सियासत ये दो ऐसे शब्द हैं जिनको लेकर बाकी चर्चाएं दम तोड़ देती हैं। दर्शकों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या 50 रुपए का अंडरवेयर महिलाओं को सेक्सुअली अट्रैक्ट करता है? सोचिए। दर्शकों, क्या सीमेंट के एड में बिकनी पहने महिला का कोई काम है? सोचिए। दर्शकों, क्या सिर्फ एक डीओ लगा लेने से महिलाएं सब कुछ छोड़ छाड़ कर पुरुषों की ओर आकर्षित हो जाती? सोचिए। दर्शकों, क्या अगरबत्ती के एड में महिला और पुरुष के प्रेम में पागल होते हुए देखना इसकी जरूरत है? सोचिए। क्या साबुन और चेहरे पर लगाई जाने वाली क्रीम हवस पैदा कर सकती है? सोचिए। ये सब कुछ इसलिए सोचिए क्योंकि पूरी विज्ञापन इंडस्ट्री आपको ये समझाने में लगी हुई है। पूरी विज्ञापन इंडस्ट्री आपको ये बताने में लगी हुई है कि 150 रुपए का कच्छा पहने शख्स, उसको देखकर महिला मचल। ये कितनी फूहड़ बातें हैं जो आज मुझको आपके सामने दुर्भाग्यपूर्ण रूप से करनी पड़ रही है। दर्शकों, मसला दरअसल बहुत बुरा है। मसला यह है कि विज्ञापनों में सामान बेचने के नाम पर अश्लीलता लगातार बेची जा रही है, और किलो के हिसाब से नहीं, यहां बात करूं तो क्विंटल के हिसाब से अश्लीलता आपके सामने परोसी जा रही है, आपके सामने रखी जा रही है, और आप इसको बकायदा इसका सेवन कर रहे हैं। ये एक्टर्स, ये हीरो हीरोइंस सो कॉल्ड, या आपके सामने अश्लीलता पर उसे, वरना सीमेंट के एड में एक महिला बिक्री पहन कर आए, इसकी क्या जरूरत है? तो महिलाओं को वस्तु बनाती सोच और इसके साथ ही पुरुषों को एक हवस की दुनिया में ले जाती ये सोच, इस पर चोट की बहुत आवश्यकता है। आज ये चर्चा क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि दरअसल टीवी की दुनिया में आजकल कई कार्यक्रम खत्म होते हुए या न्यूज चैनलों पर प्रोग्राम समाप्त होने के बाद आपको एड दिख रहा है। इस एड पर सोचने की आवश्यकता है। मैंने भी सोचा कि इस एड को क्यों आखिर दिखाया जा रहा है, यह एड आखिर बताना क्या चाहता है, और आखिर इसको देखकर जो नवयुवक हैं, जो युवतियां हैं, वो आखिर क्या सोच रही हैं, क्योंकि बहुत प्रभावशाली होते हैं दर्शकों। इस एड को जरा देखिए आप, फिर मैं आप पर बात करूंगा। इस एड को देखिए। 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Hey, morning. चर्चाएं, इस एड को समझिए जरा और देखिए कि आखिर कैसे एक अंडरवेयर की एक स्ट्रिप एक महिला को इतना ज्यादा मचलने पर मजबूर कर रही है। इसको सोचिए, इसको समझने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसा क्या है कि आज चीजों को बेचते बेचते, सामान को बेचते बेचते, ये एड की इंडस्ट्री ऐसी जगह पर आकर खड़ी हो गई है कि ये सब कुछ भी दिखाने लगी। ये सोचने की बात है। तो सामान बेचो अश्लीलता के साथ, ये बात आज हम कह रहे हैं। दर्शकों, बाजू वाली खिड़की में चल रहे एड से लगातार आपको बताने की कोशिश करते रहेंगे कि आखिर है क्या कुछ। ये देखिए, ये एक पाउडर का विज्ञापन है जिसमें क्या जरूरत थी इस तरीके की तस्वीरों को दिखाने की? क्या जरूरत थी? क्या पाउडर सिर्फ इसलिए लगाया जाता है? ये एक पाउडर का विज्ञापन है जहां पर यह बताया जाना चाहिए कि ये पाउडर जो है आपको घमौरियों से बचाता है या बाकी तमाम अन्य चीजों से आपकी रक्षा करता है, लेकिन इसमें भी महिलाओं को वस्तु के तौर पर दिखाया गया। अगला एड ये देखिए, पाउडर का एड है, ठीक है। इस पाउडर के एड में महिला को एक वस्तु की ओर तरफ से दिखाया गया और ये बताया गया कि ये देखिए, ये एक एड देखिए यहां पर किस तरीके से दिखाया गया है कि एक पुरुष जो कि बाजू वाले घर में मौजूद है और उसने महज डीओ लगा रखा है, डीओ लगाने से महिला खींची चली आ रही है उसकी, इसका क्या तुक है? ये युवाओं को क्यों दिखाई जा रही है? इससे क्या संदेश देने की जरूरत है कि आपको पढ़ाई लिखाई, जीवन में कुछ करने गुजरने की जो चाहत होती है वो सब कुछ छोड़ देनी चाहिए?
और इन एड को देखकर आप उस डीओ का इस्तेमाल करें और महिलाएं इस तरीके से खिंची चली जाएंगी। क्या भारतीय महिलाएं ऐसी हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस पर चिंता और मनन करने की आवश्यकता है कि आखिर एक एड को इस तरीके से क्यों बनाया जाता है कि महिलाएं, ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि महिलाएं सिर्फ एक डीओ जो पुरुष लगाए हुए है उसकी ओर खिंची चली आएंगी। आखिर ये क्या है और ये कब तक चलता रहेगा? इस पर विचार करने की अति आवश्यकता है। दर्शकों, ये एड की कंपनी है जो एड बना रही है, ये एक और एड है दर्शकों आपके साथ। इसमें आखिर क्या जरूरत है कि एक अगरबत्ती का एड है उसमें इस तरीके की तस्वीरों की क्या आवश्यकता है? एक अगरबत्ती का एड, अगरबत्ती तो दरअसल हमारी पूजा और धर्म की साधना जो करती हैं, जो पूजा प्रवृत्ति है उसमें काम आती है, तो इसमें इस तरह की तस्वीरों की क्या आवश्यकता? इसमें महिलाएं कहां से आती हैं? इसमें प्रेम की अगर हम बात करें तो वो नजर नहीं आता, लेकिन लस्ट, स्पेसिफिक वर्ड का यूज करूंगा, लस्ट नजर आती है। तो दर्शकों, ये क्या कुछ है? डीओ छिड़कने वाले मर्द को देखकर अपने पार्टनर को छोड़कर अपने पार्टनर की ओर आकर्षित होना, ये सब होना, ये सब आखिर चल क्या रहा है? एक लाल मंजन करके एक पुरुष अगर घर से बाहर निकलता है तो रैंडम कोई भी महिला दिखाई जा रही है जो आकर उसको किस कर लेती है, चूम लेती है। ये भारतीय संस्कृति में तो कहीं नहीं है। ये सिर्फ हवस की दीवार के पीछे छिपी हुई कहानी, यह अश्लीलता दरअसल आपको बेची जा रही है। आपको लगता होगा ये जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ अपना सामान बेच रहे हैं, एंटरटेनमेंट है, ये मनोरंजन है, लेकिन नहीं है। सीमेंट की, अगरबत्ती की, डीओ की, एक टूथपेस्ट की, इन सब चीजों में हवस का क्या काम है? ठीक है, कॉन्डोम के नाम पर जिस तरीके के एड्स बनाए गए, जिस तरीके की सॉफ्ट पोर्नोग्राफिक फिल्म्स बनाई गई, वहां तक ठीक था, इस तरीके की चीजों का क्या काम? दर्शकों, एक और चीज है कि अगर ये सब चीजें जायज हैं तो फिर जब सॉफ्ट पोर्नोग्राफी के मामले में जब राज कुंद्रा जैसे शख्स की गिरफ्तारी होती है तो फिर क्यों होती? टीवी पर तो सब कुछ चल रहा है, टीवी पर तो इस तरीके के एड्स चल रहे हैं जहां पर एक डीओ लगा रहा है पुरुष, ये देखिए डीओ लगा रहा है पुरुष और फोन बजता है, और देखिए फोन बजता है महिलाएं, भाई डीओ लगाने से ये महिला कैसे खींची चली जाती है, ये चीजें समझ में नहीं आती। ये देखिए डीओ लगाया आदमी ने, महिला इसको लेकर एक अलग साधना में, एक अलग दुनिया में जाती हुई दिखाई दे रही है। ये सब क्या है? ये मखौल नहीं है भारतीय संस्कृति का, भारतीय महिलाओं का, तो आखिर फिर क्या है? ये बड़े ध्यान से समझने की चीजें हैं। ये जितने एड्स दिखाए जा रहे हैं फूहड़ है, एक गंध है जो मची हुई है। अगर आपको डीओ बेचना है तो उसमें आखिर ये इन तरह की तस्वीरों की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है? तो ये कंपनीज जो कर रही हैं अपना सामान बेचने के साथ साथ आपको जो ये काम वासना बेच रही हैं इसको समझने की जरूरत है। दर्शकों, इसको सिर्फ महज सोचा समझा नहीं जाना चाहिए, इसको बदलाव लाने की जरूरत है। ऐसी कमर्शियल्स को, ऐसे एड्स को हमें बॉयकॉट करने की आवश्यकता है, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आवश्यकता है इसको बॉयकॉट करने की, क्योंकि दर्शकों वेस्टर्न मीडिया ने यह समझ लिया कि ब्लैक्स एंड व्हाइट्स की वजह से आपको पता है सबसे बड़े ब्रांड को अपना नाम तक बदलना पड़ा, टू बी एग्जैक्ट उनको फेयर हटाना पड़ा। दैट ब्रांड वॉज फेयर एंड लवली, सिर्फ फेयर होने की वजह से, फेयर नाम होने की वजह से उनको अपना फेयर हटाना पड़ा। तो ऐसे जब चेंजेस आ रहे हैं वेस्ट में तो फिर इंडियन मीडिया को क्या हुआ है, इंडियन मार्केट को क्या हुआ है, इंडियन कमर्शियल्स को क्या हुआ है, इंडियन एडवर्टीजमेंट्स को क्या हुआ है? ये सोचने की बात और चिंता का विषय भी है। इसके लिए एक पैकेज है, एक रिपोर्ट है, उसको आपको देखना बहुत जरूरी है। ये रिपोर्ट देखिए। किसी भी किताब के अध्याय में अगर शोषण की कहानी लिखी जाती है, किसी भी किताब के अध्याय में अगर अन्याय की कहानी लिखी जाती है तो वहां पर सबसे पहले जिक्र होता है महिलाओं का। किसी भी देश, किसी भी शहर और किसी भी गांव में अगर हम बात करें अन्याय की तो फिर सबसे पहले इसमें जिक्र होता है महिलाओं का। महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने के लिए समाज के हर कोने से, हर वर्ग से हर कोई लड़ रहा है। हमने बहुत अच्छा मुकाम भी हासिल कर लिया है। हमारे देश में सती प्रथा से लेकर तमाम ऐसी प्रथाएं थी जो महिलाओं को
कमतर करने, महिलाओं को शोषण करने के लिए बनाई और दिखाई जाती थी। लेकिन इसके बावजूद हमने धीरे धीरे समाज में एक अच्छा वर्ग खड़ा किया जो महिलाओं की इज्जत करता है, महिलाओं को समान समझता है। लेकिन आज का मुद्दा दरअसल चिंता पैदा करने वाला है, क्योंकि हमारे देश के अंदर सिनेमा के नाम पर हो रही गंध की बाजारी, इसको रोकने का अब समय आ गया है। क्योंकि ये जो सड़ांध है जो हमारे देश में सिनेमा के नाम पर आपके सामने परोसी जा रही है, इसके अलग अलग मायने अब बनने लगे हैं। आपको अगर किसी को साबुन बेचना हो, क्रीम बेचना हो, पैन बेचना हो, अंडरवेयर बेचना हो या फिर सीमेंट बेचना हो, इसमें भी महिलाओं का प्रयोग किया जा रहा है। हर चीज में एक ऐसी दिशा निकाली जा रही है जहां पर आपको महिलाओं के साथ हवस की दुनिया में ले जाया जाए। सीमेंट की इंडस्ट्री में क्या काम है जहां पर महिलाएं बिकनी पहनकर घूमे, लेकिन ऐसा है। एक सीमेंट के एड में एक बिकनी पहनकर महिला आती है, लेकिन उससे यह स्पष्ट नहीं होता कि सीमेंट के एड में महिला जो बिकनी पहनकर आ रही है, इसकी जरूरत क्या थी। क्या सीमेंट इतना मजबूत है कि जितने मजबूत यहाँ एक पुरुष के इरादे होने चाहिए थे, ये दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन ये चिंता का सवाल है। इससे पूर्व भी क्रीमों के एड में जो शरीर पर लगाई जाती हैं ताकि त्वचा साफ सुथरी रहे, उसमें महिलाओं का क्या काम है कि वहां पर हवस की एक तस्वीर पेश की जाए। लेकिन आज इस मुद्दे पर बातचीत इसलिए हो रही है क्योंकि ये काफी समय से चलता चला आ रहा है, और अब ऐसे में देश की जानी मानी और प्रसिद्ध अभिनेत्री जो कि साउथ फिल्मों की स्टार हैं, नाम है रश्मिका मंदना, उनका एक एड है जिसको लेकर काफी बवाल मचा रहा। वो एड था एक कंपनी अमूल माचो जो कि अंडरवेयर बनाती है। इस कंपनी के एड में रश्मिका मंदना एक पुरुष जो कि एक अंडरवेयर पहने हुए है, उसको देखकर ऐसे ललचाती हैं, उसको देखकर ऐसी उनके अंदर तड़पन पैदा होती है कि मानो अभी जाकर झटपटाहट में चिपक जाएंगी। लेकिन ये सवाल जरूरी है कि क्या अंडरवेयर पहन लेने भर से एक स्त्री को हवस की दुनिया में ले जाया जा सकता है। ये बिल्कुल गलत, घिनौनी और सड़ान से भरी चीज है। ये बेची जा रही है आपको अंडरवेयर के नाम पर, ये बेची जा रही है आपको डीओ के नाम पर। वो कौन सा ही समय रहा होगा जब आपको बताया गया होगा कि डीओ दरअसल शरीर पर पैदा हुई दुर्गंध को भगाने के लिए है, ना कि लड़कियों को आपके करीब लाने के लिए। लेकिन तमाम डीओ की कंपनियां ऐसे दिखाती हैं जैसे अगर आप डीओ डाल लेंगे तो महिलाएं आपके चिपक जाएंगी। इसका दूसरा पैमाना ये भी हो सकता है कि महिलाओं को इस नज़र से दिखाया जाता है कि महिलाओं को दरअसल सुंदर दिखना, मेकअप करना और अपने चेहरे और अपने शरीर पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि वो सिर्फ एक वस्तु है पुरुषों के लिए। लेकिन क्या हमारे समाज में इन चीज़ों को माना जाना चाहिए? उसका जवाब है बिल्कुल नहीं, और जल्द से जल्द इन जैसी चीज़ों को भी बंद किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी संस्कृति में कहीं भी किसी भी जगह पर हवस को नहीं बेचा गया। हमारी संस्कृति में अच्छे इरादों और महिलाओं का सम्मान जैसी बातें होती रही। ऐसा नहीं है कि सेक्स के खिलाफ कोई बात की जा रही है। इसी देश में हमने कामासूत्र भी देखा है, सब कुछ देखा है, लेकिन आज आपके सामने जो चीज़ परोसी जा रही है और जो चीज़ बेचने के इरादे से आपके सामने फ्री में, मुफ्त में बेची जा रही है, वो है हवस। इसका सीधा प्रभाव पड़ता है नवयुवकों पर, नवयुवतियों पर, क्योंकि युवकों को ये लगता है कि पढ़ाई लिखाई, जीवन में कुछ कर गुजरने की चाहत छोड़िए, सिर्फ कच्छा बदल लीजिए, सिर्फ क्रीम बढ़िया लगा लीजिए और डीओ लगा लीजिए, और जो आपको सबसे जरूरी चीज है एक महिला, वो आकर आपके गले लग जाएगी। ये किस सोच और किस मानसिकता की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, इस पर ठहर कर विचार करने की आवश्यकता है। इसी के साथ इस पर भी विचार करना होगा कि ये कंपनियां किस तरह से और किस इरादों के साथ ये जाहिर करना चाहती हैं कि एक 40 रुपए का कच्छा पहने व्यक्ति एक महिला को आकर्षित कर सकता है सिर्फ उसके कच्छे की स्ट्रिप से। एक ऐसा विचार है
ये कैसी मानसिकता है जो महिलाओं को एक वस्तु के आधार पर देखती है और महिलाओं को इतना घिनौन और कमतर आंकने की जरूरत भी करती है। इस पर विचार की आवश्यकता है और ऐसी कंपनियां जो दरअसल आपको सामान तो बेच ही रही हैं लेकिन आपके मस्तिष्क में ये कहीं ना कहीं एक हवस की दुनिया को भी बनाती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। अब जब सोच ही लिया है तो जरा इतना से सोचिए कि रश्मिका मंदाना और विक्की कौशल के इस एड में अगर हम लोग जेंडर्स बदलते हैं तो क्या हो। रश्मिका मंदाना के अंडरवेयर को अगर विक्की कौशल इस तरीके से ताड़ते देखते निहारते नजर आ रहे हो तो क्या होगा। प्रैक्टिकल बात करूं तो सड़क पर तो चप्पलें बजेंगी और इसके साथ ही अगर कहीं और ऐसे देखेंगे या जिम हो या सिनेमा घर हो तो वहां पर खूब भरपूर पिटाई होगी, साथ में थाने में भी कुटाई होगी। लेकिन यहां पर एक पुरुष को इस तरीके से अंडरवेयर में एक महिला ताड़ रही है, देख रही है, उससे कह रही है कि और ये सब चल क्या रहा है, ये क्या बेहूदगी है, ये क्या अश्लीलता है, ये सब कुछ आपके सामने परोसा जा रहा है। दर्शकों, ये दरअसल ये मैसेज दिखाने की कोशिश है कि देश के पुरुषों को पढ़ाई, शिक्षा, अन्य विभागों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। जीवन के बारे में मत सोचिए, सिर्फ एक 40 रुपए का कच्छा पहनिए और महिलाएं आपके इर्द गिर्द नाचती झूमती नजर आएंगी। ये क्या है, ये क्या ड्रामा है जो आप रोज टीवी चैनलों के बीच में देख रहे हैं। इसके खिलाफ कंप्लेंट, बॉयकॉट, सब कुछ होना चाहिए, सब कुछ। बिल्कुल भी इस विचार को आगे बढ़ते नहीं देना चाहिए। दर्शकों, महिलाओं के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो ये तो चीज और ज्यादा विषैली है, और ज्यादा गंध पैदा करती है, और ज्यादा शर्मनाक है। क्यों बताता, महिलाओं को इन एड को देखकर ये चीज समझाई जाती है कि आपको सजना है, आपको संवरना है, आपको सेक्सुअली फिट रहना है, आपको हर पल पुरुषों के लिए तैयार रहना है। वो अगर लाल मंजन करके घर से निकलेंगे तो आपको तैयार रहना है, वो डियो डालकर घर से निकले हैं तो आपको तैयार रहना है, वो सीमेंट के कहीं दुकान से अपना घर बनवा रहे हैं तो आपको तैयार रहना है, अगर बत्ती कहीं जलाई है तो आपको तैयार रहना है, हर चीज का। ये क्या है, ये समाज में किस तरीके का मैसेज, किस तरीके का घटियापन, कहां से आ रही है ये चीजें। सोचिए जरा इस बात को भी कि रश्मिका मंदाना और विक्की कौशल के इस एड पर अगर ऐसी प्रतिक्रियाएं आने लगे, और जो जरूरी है कि आई भी हूं, कि यहां पर डिमांड करी जाए अब कि इस एड में अब जेंडर्स को रिवर्स करिए और महिलाओं के जो अंडरवेयर होते हैं उन पर बात करिए, तो क्या विक्की कौशल रश्मिका मंदाना के रोल में नजर आ सकते हैं, और रश्मिका मंदाना क्या विक्की कौशल के रोल में नजर आ सकती हैं, और अगर आ सकती हैं तो क्या ये चीजें टीवी पर चल सकती हैं, और अगर नहीं चल सकती, इफ नॉट देन व्हाई नॉट, क्या पुरुष और महिलाएं समान नहीं है, क्या यहां पर पुरुष को एक वस्तु की तरह से नहीं देखा जा रहा है, एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह से नहीं देखा जा रहा है। एक अंडरवेयर पहन लेने से रश्मिका मंदाना के एक्सप्रेशन ऐसे क्यों हो रहे हैं कि उनके अंदर लस्ट का एक भाव पैदा हो रहा है। अमूल माचो का ऐड करना है आपको तो उसका कपड़ा कितना ज्यादा अच्छा है, उसकी इलास्टिक कितनी मजबूत है, वो कितना चल सकता है, क्या क्या कुछ है, कितना आरामदायक है, कंफर्टेबल है, इस पर बात ना करकर लस्ट की बात कहां से आती है। ये किस चीज के ऐड है। डियो दरअसल जो ऐड होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि शरीर में पसीने की वजह से जो उत्पन्न हुई दुर्गंध है उसको भगाने के लिए एक स्प्रे का इस्तेमाल किया जाता है, बस जस्ट इट। लेकिन इसमें महिलाएं कहां से, कि डियो डाला और महिलाएं इर्द गिर्द नाचने लगी, ये क्या है, ये क्या बेहुदगी है, ये क्या ड्रामा है, और ये कब तक चलता रहेगा, ये कब तक चलता रहेगा, इस पर विचार करने की अति आवश्यकता है। क्योंकि दर्शकों, जब तक इन चीजों को ऐसे छोड़ते रहेंगे, इन चीजों को निग्लेक्ट करते रहेंगे, इन चीजों को अवॉइड करते रहेंगे, तब तक ये आपके सामने धड़ल्ले से पेश होगी। कॉन्डोम के नाम पर तो किस तरीके से सॉफ्ट पॉर्न मूवीज आपके सामने परोस दी जाती हैं, रख दी जाती हैं, वो तो चल ही रहा है। क्या हम लोग इस तरीके के एड्स को बर्दाश्त कर सकते हैं जब हम न्यूज चैनल्स देख रहे हैं, जब हम अपने घर वालों के साथ बैठकर टीवी पर न्यूज देख रहे हैं और उसके बीच में आए इन एड्स को देखा जा सकता है। क्योंकि वेस्ट में चल जाता है, वेस्ट का बड़ा कहा जाता है, वेस्ट में फैमिलीज जो है वो अलग अलग रहती है, They don't live together. उनके यहां मां बाप से प्रेम सौहार्द सब कुछ अलग है, they have different attitude. हमारी संस्कृति दरअसल अलग है।
हमारे यहाँ भारतीय परिवार एक साथ रहते हैं, माँ बाप के साथ बैठकर, पिता के साथ बैठकर, पुत्री और पुत्री के साथ बैठकर, उसकी माता, सब एक साथ टीवी देखते हैं मनोरंजन, लेकिन उसके बीच में आती है सड़ांद, ये फूहड़ चीज़ें, ये हवस की तस्वीरें, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को एक गलत रास्ते पर, एक गर्त की दुनिया में ले जाती हुई दिख रही हैं, जिस पर बात अगर आज नहीं की गई तो कभी नहीं की जा सकती। इनको बॉयकॉट करने, बैन करने, रोकने, ठहरने, हर चीज़ को कराने की आवश्यकता है। ये हाई टाइम है कि ऐसे एड्स पर पाबंदी लगे और ऐसे एड्स को रोकने के लिए जो भारतीय सरकार है, उसका जो ब्रॉडकास्ट विभाग है, वो भी काम करे। आज का कार्यक्रम सिर्फ इतना ही था, लेकिन इस कार्यक्रम के जरिए जो संदेश देने की कोशिश मैंने की है, उसको समझना आपकी मनोस्थिति और आपके विवेक पर छोड़कर जा रहा हूं। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए शुक्रिया।